पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ निजी संस्थानों में फर्जी डिग्री का मामला सुर्खियों में आ रहा था, जिसके चलते बहुत चर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय पर भी उंगलियां उठाई गई। पर क्या ये उंगलियां सही उठाई गई थी? जानिए विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर अनुपम ठाकुर इस बारे में क्या कहती है। हमारे मानव भारती विश्वविद्यालय के अंदर फर्जी डिग्रियां नहीं दी जाती, जो यह आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनने व देखने को मिल रहे हैं, यह सरासर गलत है। हमारा संस्थान किसी भी प्रकार की जांच के लिए सदैव तैयार है। मानव भारती विश्वविद्यालय के नाम को खराब करने के पीछे जिसका भी षड्यंत्र है, उसे कदापि बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई संस्थान द्वारा अमल में लाई जाएगी। मानव भारती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनुपम ठाकुर ने वेब मीडिया के पत्रकारों के समक्ष कुछ दस्तावेज भी सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्रियों के मामले को लेकर नजदीकी पुलिस थाना धर्मपुर में सैकड़ों एफआईआर वर्ष 2015 से दर्ज करवाई जा रही है।